अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं रूज ब्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश होंगे। और जो आज के लिए मैं आप लोग के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है पिज़्ज़ा पैन केक। और आप लोग अब ये सोचेंगे कि पिज़्ज़ा पैन केक कैसे हो सकता है, पिज़्ज़ा पैन केक, केक का इसमें क्या? कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको सब क्लियर कर दूँगी। ये होगा पिज़्ज़ा पैन केक लाइक के हम इसको पैन में बनाएंगे, हमारे पास जो पैन होगा उसमें बनाएंगे। और ये बहुत इजी है, आप लोग के बच्चे अगर ज़िद कर रहे हैं कि पिज़्ज़ा खाना है और आप लोग इजीली ये घर में बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आधे घंटे में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा अगर आपकी चीज़ें आपके घर में मौजूद हों तो। चले तो इंग्रीडियंट हमें चाहिए मैदा। मैदा मैंने लिया है 1 कप, इसके साथ मैंने नीम गर्म दूध लिया है 1 कप, यहाँ इसमें से मैं 1 कप निकालूंगी। इसके साथ मैंने लिया है अंडा, इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून बटर, मेल्टेड बटर। आपके पास ब्लू बैंड है जो भी आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, इसके साथ मैंने यहाँ लिया है नमक 1 टीस्पून, और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है ईस्ट। इसको मैं लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते लेकिन मैं इसको यूज़ करूँगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ईस्ट मैंने लिया है 3 टीस्पून का तीसरा हिस्सा। ये हमारे डो के लिए, पैन केक के लिए चीज़ें चाहिए थी। इसके साथ हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने यहाँ पे लिया चिकन 1 और आधा ग्लास लिया है चिकन। लहसुन का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, इसके साथ लेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून हमें यहाँ पे चाहिए लाल मिर्च का पाउडर। ये हमारे चिकन को फ्राई करने के लिए चीज़ें काम आएंगे। इसके साथ विनेगर हसब ज़रूरत यूज़ करेंगे। इसके साथ जो टॉपिंग के लिए चीज़ें चाहिए, चीज़ मोज़रेला चीज़ क्रश मैंने कर ली थी। इसके साथ मैंने लिए यहाँ ऑलिव्स हसब ज़रूरत। इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैंने शंग्रीला की यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं शिमला मिर्च और ये भी हसब ज़रूरत है। और हमारे इंग्रेडिएंट्स आपको सामने हैं, आई होप सो आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। इसके साथ हम सबसे पहले चिकन को फ्राई करेंगे। चलें तो चिकन को फ्राई करते हैं। हमने पैन ले लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऑयल था। सो गरम होने देंगे और गरम जैसे ही ऑयल हो जाएगा इसके अंदर हमारा जो चिकन है वो हम उसका चिकन डाल लेंगे अपना। और इसको हम लोग तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो, देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने इसको 5 मिनट तक फ्राई किया है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, और ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें सिरका डालेंगे 1 टेबलस्पून, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ जो हमारे इसके साथ की स्पाइसेस थी वो डालेंगे जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको मिर्चें नहीं पसंद कोई आप नहीं डालें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको 5 मिनट तक इसको फ्राई किया है अपने स्पाइसेस डालने के बाद। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया था, आप लोग भी पानी डाल सकते हैं, इससे तो ये होता है कि टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको दम पे रख दूँगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसको अब हम दम पे रखते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल लो है। और इसके साथ मैंने इसको दम पे रख दिया है 5 मिनट बाद। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और प्लेट में निकालने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे चिकन मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया, आप देख सकते हैं। और अब हम अपने पिज़्ज़ा पैनकेक, जो पैनकेक है जो डो टाइप है उसको हम बनाएंगे। सबसे पहले जो मैदा है वो लेंगे, वो आप लोगों ने एक बाउल ले लेना, उसमें डालेंगे। इसको आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि अच्छे से छाना हुआ हो मैदा। मैंने अच्छे से छाना हुआ था, आप लोग भी छान के डालिएगा। इसके साथ जो हमने बेकिंग सोडा, ईस्ट और नमक लिया था इसकी क्वांटिटी मैं बता चुकी हूँ, वो डाल लेंगे। और इसका भी ध्यान रखिएगा कि ये भी अच्छे से छाना हुआ हो। और ये हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसको अच्छे से स्पून की मदद से
हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे इसको। और जो हमारे पास मेल्टेड बटर था वो डाल लेंगे इसमें। तो मैंने इसमें बटर डाला था, अब इसको हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसके साथ हम लोगों ने जो दूध लिया था नीम गरम वो डालेंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालना, एक साथ नहीं डालना कि इसमें क्लॉथ्स भन ना जाए। इसको मिक्स कर लेंगे, मैं एक विस्क लेती हूँ उससे मिक्स करूँगी इसको। मैंने इसमें दूध डाल दिया थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, अब मेरा इतना सा रह गया है मैं वो डालूँगी। और मैंने अंडा भी इसमें डाल दिया था ऑफ कैमरा। और इससे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से बीट किया है विस्क से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप लोग 5 मिनट तक करिएगा। और ये देखें इसमें क्लॉट्स भी नहीं हैं। और ये बहुत मज़े की हमारा पैनकेक जो डो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको आगे से फ्राई करते हैं। चलो तो फ्राई करते हैं। और फ्राई करने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप लोगों ने एक पैन ले लेना है, उसको आप लोगों ने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और है बिल्कुल लो फ्लेम है, और मैंने इसको पैन को जो गीला था वो ठीक कर लिया था। और अब मैं इसको हल्का सा ग्रीस कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा ही करना है। मैंने इसको ग्रीस कर लिया ऑयल से। फ्रेंड जैसा कि मैं बता चुकी थी, लो फ्लेम पे रखने के बाद आपने किसी भी कप की मदद से थोड़ा सा बिल्कुल मिड में रख के अपने मैदे जो डो है उसको डालना है। और ध्यान से डालिएगा, ये मैंने इतना सा कप में क्वांटिटी में डाला है। बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया हुआ है। अब हम इसको गर्म होने देंगे, जैसे रोटी पकती है उस तरह। इसको हम, ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। बबल्स बनेंगे तो हम इसको दूसरी साइड कर देंगे। और आप इसकी फ्लेम, बार बार मैं कह रही हूँ इसकी फ्लेम आप देख सकते हैं। और अब हम इसको इसकी साइड चेंज करेंगे। ये तो फ्रेंड ये देख सकते हैं आप, बबल्स बन गए थे। और मुझे अब हम इसको इसको अपने इसको ऐसे कर देंगे। और इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे है, और मैं इसको 5 मिनट के बाद डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। और ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट कर लिया। और आप देख सकते हैं बहुत मज़े की और स्मूथ बनी है। और मैं आपके सामने इसको कट करूँगी और आप देख सकते हैं। ये देखें एक बार ही मैंने इसको कट किया है और ये कट हो गया है। और इसको अब हम आपको खाकर बताते हैं कैसा बना है। ये देख सकते हैं कितने मज़े का बना है, इसको खाएंगे और आपको बताएंगे। मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया और ये बहुत मज़े का लग रहा है। और इसकी जो सॉफ्टनेस थी वो भी मैंने खाया और ये बहुत मज़े का है। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।